वेलकम बैक गाइस टू माय चैनल वन स्पेस फिटनेस। और आज हम बात करने वाले हैं चेस्ट की जो कॉमन मिस्टेक्स हैं जो आजकल लोग करते हैं व्हाइल वर्किंग आउट इन अ जिम। सी चेस्ट इज अ वेरी बिग मसल और यूजुअली जो हम वर्कआउट के टाइम देखते हैं वो देखते हैं कि लोग चेस्ट प्रेस कर रहे होते हैं या फिर डंबल प्रेस कर रहे होते हैं। एंड सबसे बड़ी मिस्टेक जो मैंने आज के टाइम पे नोटिस करी है, सबसे बड़ी मिस्टेक ये होती है कि उनका पहले स्टांस ही गलत होता है। हाउ देयर स्टांस इज रॉन्ग इज दैट अगर वो बेंच पे कर रहे हैं तो अपना पाँव वो बेंच के ऊपर रख रहे हैं, दे आर पुटिंग अप देयर फीट ऑन द बेंच। एंड यू नो दिस इज अ कॉमन प्रॉब्लम विद यू नो एडवांस trainer as well with intermediary and as well as beginners as well. So what exactly happens when you put up your feet on the bench? See bench press jo hai hamari, it's a whole body movement. Isme aapki har ek muscle involved hoti hai. So when your feet are hitting the ground, you're actually using the energy that you are deriving from the ground to create a motion jo aapko help karta hai in putting up your weight. So once you put up your feet on the bench, to aap wo gravity ka use nahi kar pa rahe. You're not picking up that energy that is to be taken up from the ground. And which causes a problem? क्योंकि अगर आप अनट्रेंड इंडिविजुअल हैं एंड आपने अगर पैर ऊपर रखे हुए हैं और आपने वेट भी ज़्यादा ले रखा है, देर इज़ ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी दैट यू मे टिप ओवर द वेट, जिसमें आपको इंजरी होने का बहुत खतरा होता है। सो सबसे पहली बात, बेंच प्रेस या डंबल प्रेस करते टाइम व्हेन यू आर डूइंग ऑन अ बेंच, ऑलवेज कीप योर फीट ऑन द ग्राउंड। सेकेंड मोस्ट कॉमन मिस्टेक दैट पीपल डू इज दैट हैविंग अ फ्लैट बैक। आपको फ्लैट बैक नहीं रखनी, एक हल्का सा आर्च बना के रखना है। नाउ हाउ टू क्रिएट एन आर्च? आर्च क्रिएट करने का बहुत ही सिंपल तरीका है। सिंपली आपको अपने शोल्डर ब्लेड्स को जो हम आपके बैक में होते हैं उनको हल्का सा पिंच करना है एंड फीट को थोड़ा अपने बॉडी के पास रखना है। जैसे आप ग्राउंड में अपने थोड़े बॉडी के पास रखेंगे, यू ऑटोमेटिकली सी एन आर्च बींग फॉर्म्ड इन द बॉडी। ज़्यादा ऊपर नहीं, क्योंकि आप अगर आपने पावर लिफ्टर्स को देखा हो जब भी वो बेंच प्रेस करते हैं तो अपने पाँव बहुत ही पास रखते हैं अपने बॉडी के, जस्ट टू गेट द एंटायर ग्रेविटी और जस्ट टू क्रिएट दैट आर्च।